पीएम मोदी कल यानी कि 16 मई को लखनऊ आ रहे हैं। पीएम के सम्मान में सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास पर रात्रि भोज का आयोजन किया है, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और इसके अलावा मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य मौजूद रहने वाले हैं। इस खबर पर एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रजत सिन्हा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को लखनऊ आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के सम्मान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास पर रात्रि भोज आयोजित करेंगे, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अलावा मंत्रिमंडल के सदस्य, वरिष्ठ आला अधिकारी और कुछ चुनिंदा लोग शामिल होंगे। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को नेपाल में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी जाएंगे, जहां से लौटते समय वह शाम को कुछ समय के लिए लखनऊ रुकेंगे। उनके सम्मान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए रात्रि भोज में शामिल होने वाले सभी लोगों से आरटीपीसीआर टेस्ट कराने को कहा गया है। सभी लोगों को 16 मई की सुबह तक अपनी आरटीपीसीआर रिपोर्ट देनी होगी। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। एसपीजी के अलावा एटीएस, एसटीएफ समेत सिविल पुलिस की तैनाती बड़ी संख्या में की जा रही है। हालांकि प्रधानमंत्री लखनऊ में चंद घंटे ही रुकेंगे, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री शाम को लखनऊ पहुंचेंगे, इसलिए एयरपोर्ट से लेकर कालिदास मार्ग तक की सड़क को तिरंगा लाइट से जगमग करने की तैयारी है। कुछ जगहों पर वर्टिकल गार्डन बनाने की भी तैयारी है, जिससे रात में लाइटों के बीच फूल भी दिखाई दे। प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों में विभिन्न विभागों के अधिकारी जुट गए हैं। प्रदेश में दोबारा योगी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहली बार ये लखनऊ दौरा है। ऐसे में माना जा रहा है कि वह योगी सरकार के मंत्रियों के साथ उनके विभागों के कामकाज को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। सारा समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन समीर हुसैन के साथ रजत सिन्हा।